आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आज का राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार का अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं, जो कोरोना के जो केसेज हैं, लगातार अब विदेशों के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे लॉकडाउन की पूरी पूरी संभावना एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। और अगर इसी लॉकडाउन की वजह से आपको ये चिंता सता रही है कि आपका कारोबार कैसा चलेगा, तो आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। माई बिग ब्लिस ऐप आपको घर से बैठे बैठे अपनी दुकान चलाने का मौका दे रही है बिना एक रुपया खर्च करे। करना छोटा सा ये काम होगा, फ़ोन उठाना है, माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले से दुकानदार हो तभी इस पर अपना सामान बेच पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर इम्प्लॉई हैं, अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस ऐप के ज़रिए आप बिना एक रुपया खर्च करें अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, कारोबार की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। आज 4 जनवरी 2022 मंगलवार, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राशिफल, कृषि जिनसों में होने वाली हलचल, शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर, बुलियन के अंदर क्या संभावना है। सबसे पहले राशिफल, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, आपके लिए दिन आज अच्छा रहने की संभावना है, लाभ कमा सकते हैं, प्रॉफिट आ सकता है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। लू ना लू, कितना लू, कब लू, देख लू, इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं, लिए गए निर्णय एक बार दोबारा जांचने। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन संभवतः मुफीद नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांचने। 4, 8, 12 यह कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जल तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है, नुकसान के चांसेस अधिक हैं, वॉलिटिलिटी में फंस सकते हैं, बचे। ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, तो ये तो मैंने कर्नल जी से जाना कि आज किन राशियों में मुनाफा देखने को मिल सकता है, किन राशियों को बचकर संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कमोडिटी बाज़ार की। कर्नल जी, बात करें अगर कमोडिटी बाज़ार में कृषि फसलों की, तो सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बिनौला खल में फरवरी वायदा में वायदा बाज़ार NCDX पर 3200 का लेवल टच होते हुए देख चुके हैं, और जो जनवरी वायदा है वो भी 3198 पर कारोबार करता नजर आ चुका है। बिनौला खल में देख रहे हैं कि दिसंबर 2021 के अंत तक और जनवरी 2022 के शुरुआत में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, फंडामेंटल्स भी मजबूत ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा है कि बिनौला खल में एक हल्की सी करेक्शन भी बनी है, हल्की सी गिरावट भी बनी है, और आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में आगे तेज़ी रहेगी तो मंदी भी ज़रूर आएगी, करेक्शन भी ज़रूर बनेगी। अब आपको यहां से क्या लगता है, जिससे कि जो निवेशक हैं पहले से ही संभल जाएं, सतर्क हो जाएं, आपको यहां से क्या लगता है बिनौला खल में आगे अभी कुछ दिनों तक कैसे रुझान रह सकता है? अखिलेश जी, आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमाया कि कपास और कपास खली में सबसे तेजी की बात करने वाला यही शो था, जब लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ इसको गिरावट की बात कर रहे थे। गौरतलब है कि तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले जो लोग हैं, उनसे अक्सर निवेशक यानी इन्वेस्टर दिग्भ्रमित हो जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस को भूल जाता है और वो
लेबल्स की मकड़ जाल में फंस जाता है। कपास खली यानी कॉटन सीड ऑयल के यदि तेजी और मंदी को हम देखें तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इस बार कपास की अराइवल लगातार कम होती जा रही है जी, और किसान माल रोकने में अपनी भलाई समझ रहे हैं, विशेषकर जो ए ग्रेड का माल है, क्योंकि इस बार जैसे हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि इस बार दागी माल जो गुलाबी सुंडा के वजह से और खरीफ फसलों के पर बेमौसम बरसात से काफी फसलों को प्रभावित हुई है और उससे माल कॉटन सीड कॉटन जो है वो दागी रही। ए ग्रेड का माल बहुत कम आ रहा है, ए ग्रेड का माल तो किसान दे ही नहीं रहे हैं, वो अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि कपास में अभी बहुत लंबा सीजन है नेक्स्ट फसल में आने में, तो धैर्य से जिन्होंने माल रखा हुआ है उनको फायदा भी हुआ है जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन कपास खली की जो तेजी और मंदी के अंदर दो चीजें हमें समझना पड़ेगा। एक, कपास खली का जो उपयोग है वो पशु आहार में सबसे अधिक है जी, और वो पशु आहार में अधिक इसलिए भी है क्योंकि जो बाकी खल है, चाहे सरसों की है, चाहे मूंगफली की है, चाहे सोया की है, वो कंपैरेटिवली कपास खली की खल से महंगी पड़ती है, और यही वजह है कि पशुपालक जो हैं या डेयरी उद्योग डेयरी फार्मिंग वाले जो किसान हैं या कारोबारी हैं वो कपास खली की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अभी कॉटन सीड के भाव भी जो है कंपैरेटिवली अच्छे बाजार में बताए जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव कपास खली पे पड़ा और कपास खली के जो दाम है हमारे अनुमान अनुसार बहुत अच्छी मोमेंट में रहे, 3200 के आसपास भी देखे गए। लेकिन एक सवाल यह है कि किसी भी तेजी या किसी भी मंदी की एक तरफा एक स्ट्रेच होता है, एक स्विंग होता है कि वो स्विंग के बाद में उसके अंदर उसमें ठहराव आने की संभावना बनती है। मुझे लगता है कि आज कपास खली के अंदर कुछ ठहराव आ सकता है, कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है, कुछ ऊपरी स्तर पर दबाव देखने को शायद मिल सकता है, ये हमारा अनुमान है। जी अखिलेश जी, जी यहीं से कन्हैया जी बात करें अगर गवार सीड की, तो गवार सीड में हमने हाल ही में तेजी के बाद गिरावट बनती देखी, कल के मुकाबले आज देख रहे हैं कि वायदा में जो लेवल्स हैं वो थोड़े सुस्त ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गवार में अब अच्छी तेजी रहेगी या फिर ऐसी गिरावट के साथ माहौल बना रहेगा, इसको लेकर काफ़ी सारे जो निवेशक हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, तो आपसे चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें और गवार सीड के बारे में आगे जानकारी दें निवेशकों को जिससे कि वो अच्छा लाभ कमा सकें। देखिए गवार सीड जो गवार कॉम्प्लेक्स है, गवार सीड और गवार गम, इसके अंदर बहुत हाईएस्ट वॉलेटिलिटी भी देखी जा रही है और कुछ सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि अभी NCDX में लिक्विडिटी गवार में बढ़ने की संभावना भी बढ़ रही है, और लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब यह है कि इसके अंदर मार्जिन के अंदर कुछ री एडजस्टमेंट होना चाहिए इसके अंदर कुछ, क्योंकि क्या है गवार कॉम्प्लेक्स जो है कि जैसे मैं आपको पहले भी आपसे चर्चा करते हुए कहा था, ये छोटी कमोडिटी है और बहुत कम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, खासकर पश्चिमी राजस्थान है, कुछ गुजरात है और हरियाणा के कुछ कारोबारी इसके अंदर और किसान बंधु इसमें काम करते हैं, क्योंकि वहीं पे इनका उत्पादन है, वहीं पे इनकी की जो एक्सपोर्ट है वो इन लोगों के हाथ में ही है, और आम जो विदेश पूरे देश के अंदर इसकी ट्रेडिंग और उत्पादन या खपत नहीं होती है, तो जब ये छोटी कमोडिटी होती है चंद लोगों के हाथ के अंदर इनकी सारी गणित होती है, तो उस समय तेजड़ी और मंदड़ी जो है बुल्स एंड बियर्स अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और किसान जो हैं जो क्योंकि एक जमाना था आज से 15 साल 20 साल 25 साल 40 साल पहले, उस वक्त किसानों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव होता था, इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं होती थी या फिर इंटरनेट होती थी तो बहुत महंगी होती थी, वो हर व्यक्ति के पास सुलभ नहीं थी जी। लेकिन देश ने तरक्की की, आज हर ढानी ढानी छोटे छोटा कस्बा छोटा छोटा गांव, उस चाहे वो 50 घर का भी गांव होगा तो वहां भी इंटरनेट उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है, तो आज किसान को हर हर पल पल की खबर उसके पास होती है और उसका फायदा यह है कि वो अपने उत्पाद को अपने प्रोडक्शन को अपने एग्री क्रॉप्स को वो अपने मार्केट के भाव के हिसाब से बेचता है,
और ऐसे ही कुछ हो रहा था कि लगातार किसानों ने 2012-13 की तेजी के ख्वाब देखे, सपने देखे, और एक तरफा गवार सीड और गवार गम चला भी। लेकिन उसके बाद जैसे हमने कहा था कि हर तेजी के बाद एक मंदी के झटके आते हैं, और वो मंदी के झटके ऐसे लगे कि जिन्होंने NCDX के ऊपर अपनी क्षमताओं से ज्यादा माल खरीद रखा था बहुत तेजी से, तो उनको बड़ी परेशानी हुई क्योंकि रोल ओवर के अंदर और उसके अंदर वो उनके सौदे धीरे धीरे कटने लग गए। क्योंकि हमेशा परेशानी ये होती है कि NCDX जो है वो हेजिंग टूल है अब किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, ताकि वो अपनी अपनी फसल का अच्छा दाम ले सके। लेकिन जो एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी कभी कभी हो जाती है कि आप मार्जिन थोड़ा देके और वो सौदे खड़े कर लेते हैं 10-10, 20-20, 25-25 गुना, और जब वॉलिटिलिटी होती है तो इसके अंदर और वो फंस जाते हैं और फिर उनके सौदे कटने लगते हैं, फिर वो चिल्लाने लगते हैं ये तो सट्टा बाजार है, ऐसा है वैसा है। तो बेसिक चीज ये है कि आप कोई जिस सीट पे काम कर रहे हैं, गवार सीट पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको धैर्य रखना पड़ेगा यदि आप तेजी चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल आप बेचने बेच लिया, परसों आपने बेच लिया। यदि आप जो भी व्यापारी है, कारोबारी है, उसको इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, और जो नीचे के ऊपर शॉर्ट वाली जो चीजें हैं उससे मेरे हिसाब से तो बचना चाहिए, क्योंकि धैर्य से आप अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करें। कभी भी जेब में 1 रुपया और काम 100 रुपए का करेंगे तो निश्चित रूप से आदमी तो कल फिसलेंगे और आप गिर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि गवार सीड में मंदी करने से बचना चाहिए, मुझे तेजी की उम्मीद रखती है, और इसके अंदर इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, अच्छा माल उपलब्ध नहीं है, पाइपलाइन बिल्कुल ऑलमोस्ट टाइट है, और जो भी अराइवल आनी थी कमजोर हाथों की वो तकरीबन बाजार में आ चुकी है, और अब जब जो सीड और गम जिसके हाथ में है वो मजबूत हाथ हैं और वो धैर्य वाले हैं, और बाकी अफवाहें चलती रहेंगी क्योंकि ये बाजार का रुख है, क्योंकि लड़ाई का मैदान और बाजार एक समान होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है, अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, आंकड़े भी दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं ताकि लोग अपना माल छोड़े। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक बाजार का कार्रवाइयों का एक हिस्सा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कारोबारियों को और किसानों को, आप फंडामेंटल की तरफ देखें, क्षमताओं को पहचानें और उसके हिसाब से ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। जी यही से करने लीजिए जी। हमने एक और ऐसी कम्युनिटी है जिसके ऊपर इस समय काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखी है, वो है प्याज। प्याज किसानों की इस वक्त जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब होते नजर आ रही है। मंडियों में 50-50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये किलो तक प्याज की खरीद हो रही है किसानों से, जो व्यापारी अभी कर रहे हैं, और वही प्याज आगे आम जनता को महंगा करके बेच दिया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे प्याज में कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि इससे भी पहले आपने ही प्याज किसानों को जानकारी दी थी और उनको बचाया था। देखिए प्याज के ऊपर मैं आपको याद होगा कि सबसे पहले जब जुलाई अगस्त के आसपास प्याज यही स्थिति थी जो आज है, उस वक्त हमने कहा था कि इस भाव में माल खरीदना उचित है, और उसके बाद प्याज में करीबन 3,000, 3,200, 3,800, 4,000 तक के भाव अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से बाजारों में देखे गए, और उसके बाद फिर जब ये तेज हो गए थे तो हमने कहा था कि ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है माल बेचने का। और जो भी कारोबारियों ने हमारी सुनी या जो भी जो हमारे क्लाइंट्स थे प्याज के, जो अच्छे बड़ा कारोबार करते थे, उन्होंने ऊंचे दाम के अंदर अपना माल तकरीबन क्लियर कर लिया, और धीरे धीरे देखिए बाजार के भाव फिसल के जो 3200 के भाव चल रहे थे, 2800 के भाव चल रहे थे अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, और आज उनकी स्थिति क्या है। मुझे लगता है कि प्याज के अंदर और गिरावट आ सकती है, प्याज में गिरावट आ सकती है, और ये जो स्टेट चुनाव हैं उससे पहले प्याज के अंदर बेताशा बड़ी गिरावट आ सकती है। यूपी के जो विधानसभा के चुनाव हैं और दूसरे राज्यों में हैं, उससे पहले प्याज बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आने की संभावना है। ये जो अगले मलट मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को मैं देना चाहता हूं, तो आप उसी हिसाब से कारोबार देखें संदेह। जी अखिलेश जी, जी ये से कर्नल जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपको क्या लगता है आज नॉन एग्री कम्युनिटीज में किन कम्युनिटीज में क्या करके चलना चाहिए? नॉन एग्रो कम्युनिटीज में बुलियन पे आज मैं नजर रखना चाहूंगा। बुलियन यानी सोने चांदी के ऊपर, कल सोने चांदी ने जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी,
और हमने वॉलेटिलिटी की भी बात आपसे कही थी जो कि अक्सर सत्य साबित होती देखी गई। आज भारतीय रुपया बहुत तेजी से डॉलर के खिलाफ कमजोरी दिखा रहा है, लगभग 25 पैसे की गिरावट जो है ये बड़ी गिरावट के अंदर मानी जानी चाहिए, और इसका असर मुझे लगता है कि सीधा सीधा बुलियन पे पड़ सकता है और चांदी और सोने के अंदर तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आज तेज बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी यहीं से कनलजी जी बात करें अगर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में आज कैसा रुझान रहेगा और किन शेयरों पर आज नजर रख के चलना सही रहेगा? देखिए शेयर बाजार के अंदर मैं निफ्टी से ज्यादा सेक्टर या इंडस्ट्रीज की तरफ थोड़ा सा नजर ज्यादा रखना है, मैं उसे समझता हूँ। और आप पावर है, मेटल है, ऑयल एंड गैस है, इन स्टॉक्स के अंदर आप नजर रखें तो बेहतर रहेगा। कल भी आपको याद होगा हमने आपको हिंदुस्तान कॉपर पे नजर रखने के लिए कहा था, IEX जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पे रखने के लिए नजर कहा था, वेदांता और रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, इन स्टॉक्स पे आप नजर रखें। इसके अलावा BPCL जैसी कंपनियों पे भी नजर रखी जा सकती है और मेटल एनर्जी इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। NTPC भी एक अच्छा स्टॉक है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है पावर जनरेशन की, इसके ऊपर भी नजर रखना उचित रहेगा। गौरतलब है कि शेयर मार्केट के अंदर जैसे कल भी आपको याद होगा हमने आपको Nifty 20 के ऊपर एक सलाह दी थी कि जो छोटा कारोबारी है या छोटा निवेशक है या नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है वो भी Nifty 20 के अंदर धीरे धीरे अपना निवेश कर सकता है, और एक छोटा बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे पंजाब नेशनल बैंक के रूप में जाना जाता है, उसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है आने वाले 3 से 4 महीने में। मुझे लगता है इसमें अच्छी मूवमेंट है, 40-45 रुपए का शेयर है, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। और धीरे धीरे जो छोटे छोटे निवेशक हैं, छोटा शेयर चाहते हैं लेकिन सुरक्षित चाहते हैं, तो उसमें पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर नजर रखी जा सकती है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। देखिए हिंदुस्तान कॉपर कल हमने कहा था, कल भी ये 2.5-3% ऊपर है, आज भी इसने 4-4.5% की तेजी दिखा दी है, तो उम्मीद है कि दर्शक इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आपका धैर्य और आपका निवेश करने का तरीका। यदि आप इसके अंदर हर रोज लाख रुपए लगा के 10-20 हजार रुपए कमाने की सोच रहे हैं हर रोज, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप निवेश को निवेश की दृष्टि से समझें, ट्रेड को ट्रेड की दृष्टि से समझें, अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करें, तो इससे बढ़िया कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कमाने के लिए नहीं है। लेकिन क्षमताओं को दुरुपयोग करना, 10 रुपए जेब में होके 100 रुपए का काम करना, जल्दबाजी में काम करना, घबराना, पैनिक और ग्रीड जैसी व्यसनों से व्यस्त रहना, ये तकलीफ देता है। तो महत्वपूर्ण यह है टाइम से काम करें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, ये शो अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक संयुक्त प्रयासों से आज तक प्रसारित हो रहा है। कोई भी नफा या नुकसान की जिम्मेदारी, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग डिसीजन में नफा नुकसान की जिम्मेदारी ना चैनल ना विशेषज्ञ की होगी। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो किसी भी शो में देना लाजमी है, जो हम उसी के तहत आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल, शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।